इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन है। यह है डॉक्टर एस के सिंह की बुक से, ये इशू ऑफ शेयर है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। मीनाक्षी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 12,000 अंश जनता को निर्गमित किए। इस संबंध में 2 रुपये आवेदन है, 4 रुपये आवंटन है, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल पर दे है, सभी राशियां यथावत प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो हम आप लोगों को कल बताए हुए थे, पेन लाइए, हम आप लोगों को कल बताए हुए थे कि जब भी हम शेयर की बात करेंगे तो उससे पहले कोई ना कोई कंपनी आ जाएगी, याद है, क्योंकि बिना कंपनी का शेयर नहीं होता है। यहाँ पर कंपनी का नाम है मीनाक्षी लिमिटेड। ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। तो 12,000 शेयर इशू एट द रेट ऑफ RS कीमत कितना है, 10 इंच है। अब कंपनी को जो रुपया लेना है, अप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए खड़ा हो गया अपने, तो बैठिए आराम से। अब 2 रुपया तो रेट है, कुल शेयर कितना है 12,000, तो यहाँ गुना कर लेंगे। यहाँ पर कंपनी को चाहिए कितना, 12 दुना 24,000, यहाँ पर गुना करेंगे हम तो 12 चुका 48,000 और यहाँ पर 48,000। क्वेश्चन कहता है कि सभी राशियाँ यथासमय प्राप्त होगी, मतलब 100 रुपया आपको मिल गया, तो आप कर चुके हैं, कंपनी को रुपया कैसे कैसे मिलता है। पहली बार जो है ना, आपको जितना शेयर खरीदना होता है आप फॉर्म भर के जमा करते हैं, राइट, तो जमा करते हैं तो उसका एंट्री होता है आवेदन राशि प्राप्त होने पर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड। लाइन खींचे जर्नल का, ये सब कॉलम भर लेंगे आप लोग, नहीं डेट पार्टिकुलर अमाउंट ये सब भर लीजिएगा ना, नहीं रुपीज चलिए लिख देते हैं, पार्टी कूलर्स डेट। तो पहली बार जो रकम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना मिला है आपको, 24,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर कंपनी क्या करती है, आपने जो रकम दिया है एप्लीकेशन का, यदि आपका रुपया है तो कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी शेयर कैपिटल में, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 24,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट की रकम आपसे मांगती है, मांगने का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कितना है, 48,000 है बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, कोई दिक्कत? फिर आप रकम जमा करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रुपया प्राप्त हो गया, तो फिर आपने जमा किया होगा। फिर दूसरा एंट्री होता है आवंटन की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 48,000। इसके बाद बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है।
अब लास्ट में है, कंपनी आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रही है टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी 48,000 है, नहीं बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, चूँकि आपने पेमेंट कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका भी नरेशन सेम हो जाएगा 48,000 48,000, सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो कल आएगा टोटल ऑफ जर्नल। ये हो गया, जोड़ने से जो है ना ये होना चाहिए 240,000, नहीं 248,000, 2,40,000। इसमें खास बात क्या है कि आपको एंट्री याद नहीं करना है, ध्यान से देखिए, बैंक जब भी आया है ना रुपया आपको जब भी मिलेगा, पहली बार मिला है 24,000 फिर 48,000 फिर 48,000, तो बैंक जब भी आया है या तो एप्लीकेशन है या बैंक अलॉटमेंट के साथ आया है, नहीं या फिर बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आया हुआ है, क्या सही है ना। तो पहली बार जो रकम मिलता है बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसके बाद कंपनी क्या करती है, इस रकम को ट्रांसफ़र करती है शेयर कैपिटल में, फिर कंपनी अलॉटमेंट मांगती है, आप जमा करते हैं, फाइनल कॉल मांगती है, फिर आप जमा करते हैं। दिक्कत है जरा सा भी, एक से दो बार इसको जो है ना बनाना है, और एंट्री जो है ना बिल्कुल याद नहीं करना है, बस खाली ध्यान से देखना है कैसे कैसे एंट्री हुआ है, जैसे बनाइएगा ना वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सीट हो जाएगा, ठीक है।